महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान विष्णु के 1000 नामों का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि जब भीष्म पितामह बाणों के शैया पर लेटे अपनी इच्छा मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने ये 1000 नाम युधिष्ठिर को बताए थे। जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि किमेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम परिणम, अर्थार्थ कौन ऐसा है जो सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है, तो पितामह ने अपने संवाद में भगवान विष्णु के इस 1000 नामों का उल्लेख किया और कहा कि प्रत्येक युग में सभी अभिष्ट की प्रति के लिए इन 1000 नामों का श्रवण और पठन सबसे उत्तम होगा, और इसके बाद इन 1000 नामों को एक मंत्र के अंदर समाहित कर लिया गया। विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत मंत्र। नमो सत्वन अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्र पदाक्षी शिरोरु बहावे, सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणः नमः। यदि प्रतिदिन प्राप्त काल इस एक मंत्र का पाठ किया जाए तो जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम संस्कृत में है और उच्चारण भी काफी कठिन है, अतः यदि कोई इसका शरण मात्र भी करे तो उसे लाभ अवश्य मिलता है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उन्हें प्रतिदिन इस स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि प्रत्येक गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाकर उसकी पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अगर विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर होंगी।